हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की खबरें कुछ इस तरह से हैं। 71वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ध्वजारोहण करेंगे। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के कई छात्र छात्राओं ने परेड के साथ अपनी अपनी आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान पुलिस के जवानों की ओर से सलामी परेड और छात्र छात्राओं की ओर से विभिन्न नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस महकमे की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों की ओर से ग्राउंड में होने वाली सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित सभी होटलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की ओर से शहर की सभी होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी जांच भी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से समारोह में आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी, ताकि सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सके। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 100 से अधिक लोगों का सम्मान भी गृह मंत्री कटारिया के हाथ से किया जाएगा। इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास किया, फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, सभी कार्यक्रमों की तैयारी पूरी, वन मंत्री फहराएंगे राष्ट्रध्वज। स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास सोमवार को उम्मेद राजकीय स्टेडियम में किया गया। यहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वन पर्यावरण एवं युवा और खेल मामलात मंत्री गजेंद्र खेमसर स्वाधीनता दिवस पर 15 अगस्त को उम्मेद राजकीय स्टेडियम में प्रातः 9 बजे जिला स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी मंच पर विभिन्न टुकड़ियों की सलामी लेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। इनका पूर्वाभ्यास सोमवार को किया गया। अपर जिला कलेक्टर और समारोह के नोडल अधिकारी महिपाल भारद्वाज ने पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उम्मेद राजकीय स्टेडियम में 15 अगस्त को जिला स्तरीय प्रमुख समारोह का आयोजन किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर मुख्य अतिथि के रूप में प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह के मुख्य अतिथि खेवसर ध्वजारोहण करने के पश्चात सामने खड़ी टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद परेड की सलामी लेंगे। आरएसी राजस्थान पुलिस के अलावा एसपीएस का बैंड सुमधुर धुने प्रस्तुत करेगा। समारोह में सामूहिक व्यायाम, डंबल्स और लेजिम के प्रदर्शन से स्वाधीनता का जोश प्रदर्शित किया जाएगा। समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राएं, समाज सेवी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम प्रथम द्वारा राज्यपाल का संदेश पठन किया जाएगा तथा मुख्य अतिथि का संबोधन भी होगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य और नगर के प्रमुख चौराहों और भवनों पर आकर्षक रोशनी भी की जाएगी। इसी क्रम में एसडीएम ने देखा मार्च पास्ट का पूर्वाभ्यास। देसूरी एसडीएम हसमुख कुमार ने सोमवार प्रातः उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्रभारी से चर्चा की। इसके बाद में उन्होंने ध्वजारोहण स्थल, मार्च पास्ट, परेड, योगाभ्यास को देखा। एसडीएम ने खुद मार्च पास्ट की सलामी लेकर परेड को परखा और प्रभारी शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सरपंच प्रवीण कुमार, ग्राम सेवक ढला राम मेघवाल, शिक्षक नरेंद्र सिंह राठौर, महावीर सिंह इत्यादि मौजूद थे। राजस्थान और देश की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।